अगर पैसा है तो भाई स्कॉर्पियो एन लो, क्योंकि बहुत ही बड़ी गाड़ी है और इतना फीचर्स। डुअल 10 एलईडी लाइट्स इसमें आपको मिल जाएगी, एलईडी डीआरएल्स, और साइड का लुक्स बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ी गाड़ी है, ऊपर रूफ रेल, सनरूफ, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। शार्प फिन एंटीना भी इसमें मिल गया क्योंकि ये टॉप मॉडल है। साइड से पूरी क्रोम बीडिंग आपको विंडशील्ड में, साइड वाली विंडोज़ में मिलेगी। यहाँ पे रूफ एंड स्पॉयलर भी लगा हुआ है, रियर वाइपर्स है, डिफॉगर है, और हैवी वाला हैंडल, जितने भी हैंडल्स हैं सारे हैवी आपको मिल रहे हैं क्रोम हैंडल्स के साथ। और यहाँ पे देखिए कैमरा है, 360 कैमरा, रियर में भी कैमरा है, और रियर जो देख सकते हैं बम्पर्स में, हैवी बम्पर में क्रोम बीडिंग लगी हुई है गाड़ी में। और पीछे थोड़ा सा एक चीज़ डिमेरिट्स मुझे ये लगा कि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। अगर 7-8 आदमी बैठते हैं आराम से आगे बीच में और मिडिल रियर सीट में, तो आपको स्पेस कम मिलेगा लगेज रखने के लिए। तो इसके लिए आपको ये जो सीट है फोल्ड करनी पड़ेगी, पर फोल्ड करने से पीछे 2 आदमी नहीं बैठ सकते, पर फोल्ड करने से थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा। अगर 5-6 आदमी बैठते हैं गाड़ी में तो पीछे लगेज रखने के लिए ये सीट फोल्ड करेंगे तो जाके थोड़ा सा स्पेस बढ़ेगा। एलईडी कॉम्बिनेशन लैंप्स, ये जो लाइट से ऊपर से लेके नीचे जो जल रही है बहुत अच्छी दिख रही है स्कॉर्पियो एन में। स्कॉर्पियो एन का ब्रांडिंग, यहाँ पे ब्रांडिंग, और इसका जो व्हील्स है बहुत अच्छा है, अलॉय व्हील। और यहाँ पे देख सकते हैं जो रियर डोर्स है, स्पेस आपको अच्छा मिलेगा, और इंटीरियर पूरा लेदर, यानी कि पूरी जो प्योर लेदर जो कलर होता है ब्राउन कलर का, जो प्रीमियम बोलते हैं इनोवा क्रिस्टा स्कॉर्पियो एन, जो प्रीमियम कार्स में डिफेंडर ये सब में भी आपको मिलेगा, ऑडी बीएमडब्ल्यू में, उस टाइप का इंटीरियर इसमें डिज़ाइन किया गया है। और एक फोल्ड करने से पीछे वाली सीट फोल्ड हो जाएगी ताकि पीछे आप आराम से बैठ सके। तो ये सब जो सिस्टम थोड़ा सा समझना पड़ेगा अगर आप बड़ी गाड़ी खरीदते हैं तो। अब यहाँ पे पियानो फिनिश, पावर विंडोज़ की स्विच, पूरी लेदर वाली स्टिच बहुत ही अच्छा हुआ है, रियर एसी वेंट्स पूरी कंट्रोल में पीछे आपको मिलेगी, और इसका जो फ्रंट लुक्स है पूरा लेदर ब्राउन से लेके रियर तक सेम आपको मिलेगी, कहीं पे भी कुछ 19-20 नहीं है। पर इसका एसी आपको ऊपर टॉप में नहीं मिलेगा, सिर्फ लाइट्स मिल रही है यहाँ पे, पकड़ने के लिए हैंडल्स है, हैवी वाला तगड़ा हैंडल है। एसी वेंट्स आपको मिडिल में ही मिल रही है, कंसोल बॉक्स यानी कि आर्मरेस्ट के पास में, जैसा स्कॉर्पियो में है वही सेम आपको स्कॉर्पियो एन में मिलेगी। अब ये जो हैंडल है बहुत ही तगड़ा है बंद करने के लिए, इतनी भारी दरवाज़ा है, तो ये भारी दरवाज़ा को बंद करने के लिए आपको इस टाइप का हैंडल पकड़ के बंद करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम इसमें स्कॉर्पियो एन में दी गई है। स्पेस काफ़ी अच्छा है, लेगरूम हेडरूम काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा, आप आराम से इंक्लाइन कर सकते हैं सीट को, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और आराम से गाड़ी से निकल के बाहर आ सकते हैं और अंदर भी बैठ सकते हैं। तो ये सब सारा बढ़िया किया गया है, और हर सीट में आपको हेडरेस्ट दिख रही है सभी पैसेंजर के लिए है। और ऊपर में देखिए एलईडी लाइट्स यहाँ पे भी रियर सीट में के पीछे दी गई है, और ऊपर में स्पीकर्स है, तो इसका जो सराउंड सिस्टम आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है अगर आप म्यूज़िक सिस्टम बजाएंगे। और रियर वेंट एसी का जो यहाँ पे कंट्रोल आपको मिल रही है, ये मैं लाइट जला के आपको दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4 आप जितना स्पीड करना आप कर सकते हैं। मोबाइल चार्जर पॉइंट्स भी दिया गया है। अब ऊपर में जो रूफ़ है ये इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको जो पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा, छोटा सनरूफ है, जब हम आगे बैठेंगे तब मैं आपको सारा चीज़ दिखा दूंगा सनरूफ का। अब फ्रंट सीट में सबसे यूनिक चीज़ ये है, ये है जो स्क्रोलर आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल, आगे पीछे ऊपर नीचे सीट को आप कर सकते हैं, हैंडल बार मेहनत करना नहीं पड़ेगा। अब इसमें एक नया चीज़ मैं देखने को ये मिला, ये जो बैक सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, अगर आपका बैक क्या होता है गैप हो जाता है तो इसमें जब आप बैठेंगे तो ये बाहर निकलते रहेगा, जिसकी वजह से आपको बैक में बहुत ही सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सीट कवर्स तो लगेगी नहीं, तो कंफर्टेबली आप गाड़ी में बैठ के गाड़ी को राइड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रूट चलेगी स्कॉर्पियो एन जैसी मॉडल, तो ये सब सिस्टम मैंने कंफर्टेबल बहुत ही ज़रूरी है। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, 360 कैमरा, यहाँ पे सारा चीज़ मिल रहा है, बटन का सारा चीज़ डैशबोर्ड में आपको फिटिंग मिल जाएगा, सोनी का म्यूज़िक सिस्टम बूफर डैशबोर्ड में, यहाँ पे सनरूफ हार्ड टॉप आपको यहाँ पे मिल रहा है ताकि आप आराम से धूप अगर ज़्यादा है तो आप बंद कर सकते हैं। ये जो सीट्स है देखिए इसका स्टिचिंग बहुत ही अच्छा है, पूरा एक एक बारीकी से स्टिच किया गया है ताकि सीट बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबली आप बैठ सके और इंटीरियर का जो लुक्स है वो काफ़ी अच्छा आपको मिल सके। यूवी प्रोटेक्शन ग्लास के साथ आती है सनरूफ, एक स्लाइड में देखिए पूरी सनरूफ खुल गई और बंद भी हो जाएगी, तो ये अच्छा है, छोटा सनरूफ है चलेगा, बड़ा सनरूफ का जरूरत नहीं है स्कॉर्पियो एन में, अगर टूट गई या कुछ हो गया तो फिर खर्चा भी ज़्यादा पड़ेगा, जैसे आप बहुत सारा वीडियो में देखें सनरूफ का डिमांड, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, सनरूफ बहुत ही अच्छा कंपनी वेंडर सप्लाई करती है तो उसका कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है।
ऊपर में भी देखिए सबवूफर बूफर वाला स्पीकर दिया गया है यहाँ पे। सब तरफ एलईडी लाइट्स आपको मिलेगी, जितने भी जो लाइट्स सब तरफ आपको एलईडी मिल रही है। तो ये अपग्रेडेड वर्सन है, येलो वाला बल्ब नहीं लगा है, एलईडी लाइट्स लगी हुई है। और फ्रंट से देखिए पीछे का भी जो लुक्स है काफ़ी अच्छा है, स्पेस 300 ये सब दिख रही है। लेदर रैप्ड स्टेयरिंग, क्रूज कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल स्टेयरिंग में, पूरी तरफ एयरबैग्स, पुश स्टार्ट स्टॉप का स्विच, यहाँ पे पार्किंग का बटन ऑफ करना यानी कि रियर पार्किंग सेंसर बटन ऑफ करना, यहाँ पे लेदर पूरा एयरबैग्स वाला, स्कॉर्पियो एन का ब्रांडिंग, पियानो फिनिश, ड्राइवर को ड्राइवर सीट में 10 इंच का टच स्क्रीन। तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी का फीचर्स में। अब यहाँ पे बस कैमरा जो है सबसे मेरे को बेकार लगा, रियर कैमरा 360 कैमरा का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब यहाँ पे देखिए वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का दिया गया है, एयरबैग स्विच ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं रियर में अगर कोई बैठा नहीं है तो, क्योंकि 6 एयरबैग्स वाली गाड़ी है। अब यहाँ पे देखिए आर्मरेस्ट के अंदर में थोड़ा सा स्टोरेज है, यहाँ पे आप सामान रखने के लिए कप होल्डर्स, 6 गियर आपको इसमें मिलेगी, बड़े इंजन है तो 6 गियर बहुत ही ज़रूरी है, डीजल इंजन है। टिल्ट स्टेयरिंग आपको मिल रहा है इसमें, आपके हाइट के हिसाब से आराम से स्टेयरिंग को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही सेम हैंडल, सारा पावर विंडोज़ का स्विच, इलेक्ट्रॉनिक्स मिरर्स, फोल्डेबल इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर, तो सारा फीचर्स कंप्लीट स्कॉर्पियो एन में है, सारा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल चुका हूँ, तो ज़रूर नियरेस्ट डीलर में जाके देखें। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ही बड़ी कार है, अगर प्लानिंग एसयूवी लेने का तो स्कॉर्पियो एन बेस्ट डिसीजन होगा आपका।